नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कंडक्टिंग ऑफ पीएमएमबीवाई स्पेशल डिराइव टू इन्हेंस द रजिस्ट्रेशन पेमेंट जनरेशन एट द लेवल ऑफ सेंक्शनिंग ऑफिसर एंड अप्रूवल ऑफ पेमेंट एट स्टेट नोडल ऑफिसर SNO लेवल From 18th of June 2024 to 2nd of July 2024। तो जे किस रेफरेंस में है, जो स्टेट मिशन डायरेक्टर पोर्शन हैं वहाँ से लेटर है कि जो स्पेशल जो ड्राइव होगा, किसका स्पेशल ड्राइव होगा, जो PMMBY है इसके लिए, जो कि जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन, जो भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशंस हैं किस लेवल पे, आंगनवाड़ी वर्कर लेवल पे जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हैं वो पूरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो है कि पेमेंट जनरेशन ऑफ लेवल ऑफ पेमेंट जनरेशन ऑफ द लेवल ऑफ सेंक्शनिंग ऑफिसर, मतलब जो SO लेवल में जहाँ पे PMMBY में जो सेंक्शनिंग ऑफिसर हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उनके लेवल में जो पेमेंट जनरेशन है वो होनी चाहिए जो भी पेंडिंग केसेस हैं, एंड अप्रूवल ऑफ पेमेंट एट स्टेट नोडल ऑफिसर, जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वो जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको अप्रूव करेंगे फ्रॉम 18th ऑफ जून, 18 जून से लेके 2 जुलाई 2024 तक। कहने का मतलब कि 18 जून से जो स्टार्ट है, आपने जो आज 17th ऑफ जून है, कल 18th ऑफ जून है, तो अगर आप 18th जून को जो वीडियो सुन रहे हैं तो दैट मींस 18th ऑफ जून आज से ही आपने जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव है जो स्टार्ट हो गया है और जो 2 जुलाई तक चलेगा। इसमें बताया गया है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो फोकस पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरीज सो एज टू इंश्योर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्कीम। तो इसमें नंबर वन हमने क्या करना है, कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करनी है बेनिफिशरीज की। तो उसके नंबर दो है अपडेटिंग द इम्यूनाइजेशन डिटेल ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज ड्यू फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इसमें आप जानते ही होंगे कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हो जाती है उसके बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसके लिए जो चाइल्ड बर्थ है और जो इम्यूनाइजेशन है वो हमने डालना पड़ता है, वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर के लेवल पे अपलोड करना पड़ता है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगी, जो इम्यूनाइजेशन डिटेल है उनको भी, जो पेंडिंग केसेस होंगे उनका इमीडिएटली इम्यूनाइजेशन डिटेल भर दें। उसके बाद जो तीसरा है ऑल द बेनिफिशरीज हुज आधार इज जेट टू बी सीडेड विद बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट एनश्योर दैट आधार इज सीडेड विद बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले भी जो कुछ एक बेनिफिशरीज हैं वो कहते हैं कि जो पेमेंट नहीं हुई है, तो उनका एक ही कारण है क्योंकि उनका जो अकाउंट नंबर है वो आधार के साथ सीडिंग नहीं, आधार सीडिंग उस अकाउंट की नहीं हुई है। तो आपने सभी बेनिफिशरीज को बोलना है, जो न्यू वाले हैं उनको भी बोलना है, जो पुराने वाले रहते हैं बेनिफिशरीज जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है उन्हें कहना है कि बैंक में जाके उनका जो आधार सीडिंग ज़रूर करवा लें। उसके बाद जो लास्ट है वो है क्लियरेंस ऑफ पेंडेंसी इन टर्म ऑफ अप्रूवल ऑफ फॉर्म्स एंड पेमेंट जनरेशन ऑफ इनरोल्ड बेनिफिशरीज बाय सेंक्शनिंग ऑफिसर, कि जितने भी पेंडिंग हैं जिनका अप्रूवल करना है फॉर्म का और जो सेंक्शनिंग ऑफिसर के लेवल में जितनी पेंडेंसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो सुपरवाइजर वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो सुपरवाइजर के पोर्टल में बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जो फॉर्म्स हैं उनको इमीडिएटली वेरीफाई करके नेक्स्ट जो सेंक्शनिंग ऑफिसर के लेवल पे, कहने का मतलब कि CDPO के लेवल पे ले आएँ, ताकि ये जो मैक्सिमम ये जो स्पेशल ड्राइव है PMMBY स्पेशल ड्राइव है इसमें जो मैक्सिमम जो बेनिफिशरीज हैं वो कवर हो जाएं, ऑलमोस्ट सभी बेनिफिशरीज जो हैं वो कवर हो जाएं। तो सभी इसके लिए जो एफर्ट्स हैं ग्रास रूट लेवल पे आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर, CDPO और जितने भी फील्ड फंक्शनरीज हैं उनके एफर्ट्स रहेंगे। अगर हम एफर्ट्स अच्छे ढंग से एफर्ट्स करते हैं तो जे हम मैक्सिमम इसमें जो सक्सेस पा सकते हैं, हमारे जो मैक्सिमम PMMBY केसेस हैं, ऑलमोस्ट सभी PMMBY केसेस हैं वो कवर होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।